अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी बजटिंग के चैप्टर पे और हमने लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था दैट वाज आरएस एंटरप्राइजेस बजटेड पीएनएल पे कोई इशू लास्ट लेक्चर से बजटिंग के टॉपिक पे कोई चीज आपकी पेंडिंग कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए अच्छा जी, अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बजटिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देख रहे थे तो आगे चलते हैं मजीद क्वेश्चंस की तरफ। आज जो क्वेश्चन अब हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 इन आवर क्वेश्चन बैंक। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाल्कन प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन है जी, ये ऑटम 17 का सवाल है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी मुबीन, अगर आप साथ हमारे हैं तो स्टूडेंट टेस्ट की कंप्लेंट कर रहे हैं कि टेस्ट चेक नहीं हो रहे और सॉल्यूशन अपडेट नहीं हो रहे, या किन टेस्ट की बात कर रहे हैं सामान बताएंगे किस टेस्ट की बात कर रहे हैं आप। आपको क्या लास्ट वीक जो टेस्ट हुआ उसी की बात है या उससे पिछले टेस्ट में भी आपको इश्यू है? लास्ट वीक थर्सडे को आपका टेस्ट हुआ तो आपके थर्सडे टेस्ट की बात कर रहे हैं उसामा या उससे पिछले टेस्ट की बात कर रहे हैं? तो बेटा थर्सडे का टेस्ट हुआ तो फ्राइडे सैटरडे दो वर्किंग डेज गुजरे हैं। मुझे नहीं पता क्या रूटीन है आपकी, यू शुड एक्सपेक्ट कि आपको आज या कल में मार्किंग के साथ वो मिल जाएगा। अगर लास्ट उससे पिछले वीक की बात होती तो वो कोई अलार्मिंग साइन था। थर्सडे को टेस्ट हुआ, फ्राइडे सैटरडे दो वर्किंग डेज गुजरे हैं, आज थर्सडे वर्किंग डे है। आई होप मुबीन विल शुड अपडेट अस ड्यूरिंग दिस क्लास इंशाअल्लाह। ठीक है, तो बहर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, फाल्कन प्राइवेट लिमिटेड। रिक्वायरमेंट प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स की हमने बजटेड स्टेटमेंट बनानी है। फंक्शनल बजट का सवाल है ये, तो जनाब सवाल पढ़ते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। फाल्कन प्राइवेट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स एनुअल बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। Budgeted and actual production and sales for the current year. Current year से मुराद वो साल जो अभी खत्म होने वाला है, उसका budgeted और actual data में given है। ये budgeted production and sales है, ये इसकी actual production and sales है units में। फिर कहा जाता है जी current year's actual production cost per unit। ये जो साल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी actual production cost per unit, material 49 kg 980 पे, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या रही। मजीद आगे चलते हैं, इन्वेंटरी बैलेंसेज। एफपीएल मेंटेन्स द फॉलोइंग इन्वेंटरी बैलेंसेज। उसकी पॉलिसी है जी क्या, रॉ मटेरियल एवरी 2 मंथ कंजम्पशन बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन, मतलब बजटेड प्रोडक्शन से कंजम्पशन निकालेंगे और 2 महीने का स्टॉक अप रखते हैं। फिनिश गुड्स एवरेज 1 मंथ बजटेड सेल्स। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग, दोनों वर्क इन प्रोसेस 1500 यूनिट्स रखे जाते हैं, 100% कंप्लीट मटेरियल के लिए, 60% कंप्लीट कन्वर्जन के लिए। पार्शली कंप्लीट वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स होते ही पार्शली कंप्लीट यूनिट्स हैं, तो उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें बता दी। कंपनी की पॉलिसी क्या है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग फर्क होगी क्योंकि दोनों का ताल्लुक बजटेड प्रोडक्शन से है। अगर बजटेड प्रोडक्शन बदलेगी तो आपकी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बदल जाएगी। सिमिलरली फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग फर्क होगी क्योंकि जो ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं वो पिछले साल की सेल पे डिपेंडेंट है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स करंट सेल्स की पे डिपेंडेंट होगी, फर्क आ जाएगी। लेकिन वर्क इन प्रोसेस ने कहते हैं जी वो सेम है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम रहता है।
FPL follows absorption costing and using FIFO method of for valuation of inventory. इसकी implication इस budget में आने वाली है, कैसे? You will soon see. Impact of inflation, raw material and variable cost, variable overheads 8%, direct labor 10%, fixed overhead excluding depreciation. ख्याल रखने हैं, inflation का impact कभी depreciation पे नहीं आता, क्योंकि inflation कैश कॉस्ट को इंपैक्ट करती है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है. डेप्रिसिएशन का ताल्लुक हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट से होता है, तो इन्फ्लेशन का ताल्लुक, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डेप्रिसिएशन पे कभी आ ही नहीं सकता. ये उसने ना भी लिखा होता तो अंडरस्टूड है कि डेप्रिसिएशन पे कभी इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आता. सेल्स वॉल्यूम वुड इंक्रीज बाय 10% अगले साल. Balancing and modernization of plant would be carried out at a cost of 20 million, which would increase depreciation from 5.8. मतलब पिछले साल 5.8 पे थी depreciation plant की, अब 7.016 पे चली जाएगी. Reduce raw material wastage from 5 to 2. पिछले साल raw material wastage 5% पे थी, अब 2 पे चली जाएगी of input, and increase labor efficiency by 7%. वेस्टेज कम होने का मतलब आपकी रॉ, इसको समझ लें, आप ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं, इसमें से लेस वेस्टेज हो जाती है और फिर नेट क्वांटिटी बचती है. वेस्टेज कम होने का मतलब प्रोडक्ट तो वही बना रहे हैं ना, तो नेट क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आनी. वेस्टेज कम होने का मतलब आपकी ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ इनपुट ये रिड्यूस हो जाएगी वेस्टेज कम होने के. सर लेबर एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब आपका टाइम पर यूनिट 7% से कम हो जाएगा. एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब टाइम पर यूनिट 7% नीचे चला जाएगा, अल्टीमेटली कॉस्ट नीचे चली जाएगी. अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया डेटा जिसके मुताबिक हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने को कहा गया है. इसमें सबसे पहले तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट पिक करना पड़ेगा. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट हम सबसे पहले लेके आते हैं अपने सामने. क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं और जो हमें यहाँ पे फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, दैट शुड बी रॉ मटेरियल कंजम्पशन. सारा बजटेड हम डाटा ले रहे हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन. इसमें आप ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन में कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. और इसमें फिर आप ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपको मिलती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये है जी आपका बजट जो आपको चाहिए. आपकी अच्छा जी, अब हम इस पे वन बाय वन काम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तमाम वैल्यूज हमें यहाँ पे रुपीज में ही गिवन है, तो हम रुपीज में ही ले लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स अवेलेबल है. ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स का हमें पता नहीं है, लेकिन वो हमें इस नोट से पता लग रहा है कि कितने होने वाले हैं. तो हम एक काम करते हैं, हमें अब इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें मिसिंग है, हमें कितने यूनिट्स की हमारी कंजम्पशन कॉस्ट कितनी होने वाली है, हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कितनी होने वाली है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी होनी है, कन्वर्जन कितनी होनी है, ये तो डिपेंड करेगा कि हम कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं आने वाले साल में. प्लान हम
कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन आने वाले साल में प्लान करने जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड कन्वर्जन। तो उसके लिए हमें एक पहले स्टेटमेंट सी बना लेनी है जिसमें हम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे हम जाते हैं। तो हम एक वर्किंग वन सबसे पहले बनाते हैं जिसमें बजटेड सेल्स हमारे पास हैं, अगले साल की क्या है मतलब हमें बताई गई है उसके पैटर्न। इसमें अगर हम ऐड कर दें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें माइनस कर दें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमें मिल जाएगी बजटेड प्रोडक्शन। और बजटेड प्रोडक्शन में अगर हम ऐड कर दें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस और माइनस कर दें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो हमें मिल जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडेड। ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट हम यूनिट्स की शेप में बनाने जा रहे हैं क्योंकि ये डाटा हमें अवेलेबल होगा तो ही हम इन यूनिट्स की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले पाएंगे। बेटा ये हसनैन ने कोई रिक्वेस्ट रेज की है, हसनैन ये बात आप मुबीन से डिस्कस कर लीजिए। आई थिंक कि हमने शायद इसका हल कुछ निकाला हुआ है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो लास्ट मेरी जो मीटिंग हुई थी उसमें यही बात हुई थी कि हम हर लेक्चर को 24 आवर्स के लिए अवेलेबल कर दिया करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग। आई एम नॉट श्योर कि यह फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि यकीनन ये हो रहा होगा क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा। तो हमने ये फैसला कर लिया था कि हम हर लेक्चर को 24 आवर्स के लिए अवेलेबल किया करेंगे, तो काइंडली इसको आप मुबीन से या कोऑर्डिनेशन से कंफर्म कर लीजिएगा, इज इट बीइंग डन सो और नॉट। अच्छा जी, हमें बजटेड सेल्स हमारी अगले साल की कितनी होगी, इधर ये स्टेटमेंट हम बनाना शुरू करते हैं। हमें बताया गया है कि सेल्स वॉल्यूम हमारा अगले साल 10% से बढ़ेगा। अब तवज्जो कीजिएगा, 10% से बढ़ेगा, बट व्हाट शुड बी द बेस फिगर टेकर? बेस फिगर हम बजट लें या एक्चुअल लें? तो भाई ये पिछले साल का बजट है और ये पिछले साल का एक्चुअल है। जब एक एक्चुअल फिगर आ जाती है तो बजट सुपरसीड हो जाता है। तो अगले साल की फिगर जब उसने कहा 10% से बढ़ेगी, जब उसने कहा कि एक्चुअल सेल्स हमारी 10% से बढ़ेगी, तो यकीनन वो एक्चुअल सेल्स पे 10% इजाफे की बात हो रही है। यकीनन एक्चुअल सेल्स के पर 10% का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब अगले साल हमारी सेल 22,800 × 1.10 ये होने वाली है। तो हमारी बजटेड सेल्स क्या होने वाली है जनाब, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए। ठीक हो गया जी, 25080। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात करें तो वो हमें कहा गया है कंपनी की पॉलिसी कि फिनिश गुड्स 1 month ऑफ बजटेड सेल्स। तो क्लोजिंग स्टॉक यकीनन अगले साल की सेल पर डिपेंडेंट होगा, डिवाइड विद 12। ये साल की सेल है तो एक महीने की सेल क्या हुई जी, एक महीने की सेल्स क्या आती हैं? बजटेड सेल्स पे डिपेंडेंट है क्लोजिंग स्टॉक 2090 और ओपनिंग स्टॉक पिछले साल की बजटेड सेल्स पे डिपेंडेंट है, वो थी 24,000। तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का है हमारा, तो पिछले साल की बजटेड सेल्स पे डिपेंडेंट होंगी 24,000 विद 12। ये है जनाब 2000। लीजिए जी यहां से बजटेड प्रोडक्शन आ जाती है। बजटेड प्रोडक्शन कितनी आ रही है हमारी, टू फाइव वन सेवन जीरो, दिस इज बजटेड प्रोडक्शन।
वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों ही 1500 यूनिट्स हैं, तो 1500 यूनिट्स हमें ऐड करने हैं और 1500 यूनिट्स ही हमें लेस कर देने हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडेड भी 25170 ही आ जाती है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बेटा पिछले साल से रिलेटेड है और वो पिछले साल की बजटेड सेल्स पे डिपेंडेंट है। पिछले साल की बजटेड सेल्स हमारी 24,000 थी, क्योंकि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, उसने क्या कहा, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है बजटेड सेल्स के ऊपर बेस करके एक महीना। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने अगले साल की ली है तो यकीनन वो अगले साल की बजटेड सेल्स पे डिपेंडेंट है, और ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड है तो ये पिछले साल की बजटेड सेल्स पे डिपेंडेंट है। अच्छा जी, 25,170 ये हमारे पास आ गई यूनिट्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने ऐड की। तो कीजिएगा, हमने कंजम्पशन भी 25,170 यूनिट्स की लेनी है, 25,170 यूनिट्स की लेनी है कंजम्पशन, हमने कन्वर्जन कॉस्ट भी 25,170 यूनिट्स की लेनी है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हमारे पास 1500 यूनिट्स हैं, इनकी कॉस्ट लेंगे, और ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की भी हमने यूनिट्स एटलीस्ट मेजर कर ली हैं। ओपनिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स हमारे 2000 हैं, ये हमने मेजर किए हैं, क्लोजिंग स्टॉक के 2090 हैं। ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक 2090 यूनिट्स हैं। तो इन तमाम, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, फिर सुन लीजिए, रॉ मटेरियल कंजम्पशन 25,170 यूनिट्स की डालनी है क्योंकि हमने 25,170 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऐड की, कन्वर्जन भी 25,170 की डालनी है, ओपनिंग स्टॉक 1500 यूनिट्स का लेना है, क्लोजिंग स्टॉक भी 1500 यूनिट्स का लेना है, फर्क क्या होने वाला है, याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका फाइफो मेथड में करंट कॉस्ट पे वैल्यू होगा, मैं भी सिर्फ हिंट दे रहा हूं यहां पे, ओपनिंग स्टॉक आपका लास्ट ईयर कॉस्ट पे वैल्यू होगा, सॉरी करंट नहीं, नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट ईयर, करंट से मुराद होता है लास्ट ईयर, ओपनिंग स्टॉक आपका करंट कॉस्ट पे वैल्यू होने हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका नेक्स्ट ईयर कॉस्ट पे वैल्यू होने हैं। सिमिलरली ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ये आपका करंट कॉस्ट पे वैल्यू होना है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ये आपका नेक्स्ट ईयर कॉस्ट पे वैल्यू होना है। कन्वर्जन कॉस्ट भी आपने करंट नेक्स्ट ईयर कॉस्ट लेनी है, और रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये तो इन्वेंट्री है, इसमें फाइफो मेथड कहता है, तो ओपनिंग स्टॉक से भी कंजम्पशन आ रही है और करंट पीरियड की कंजम्पशन भी आएगी, इसका मेथड थोड़ा अलहदा है। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि हम करंट कॉस्ट पर यूनिट पे अगर नजर दौड़ाएं तो वो तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये हमें करंट कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है, इसको फर्दर आप ब्रेकअप कर सकें अगर मटेरियल और कन्वर्जन में, तो 900 रुपए मटेरियल है और कन्वर्जन कितना बना 980 रुपए, सॉरी मटेरियल है और 1700 रुपए कन्वर्जन है, यहां से 2680 का ब्रेकअप आपको गिवन है। मटेरियल कन्वर्जन में आपको लैदा लैदा इसलिए देखना पड़ा कि आपका वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में और कन्वर्जन में लैदा लैदा दिया गया है, तो करंट कॉस्ट का ब्रेकअप हमें गिवन है, तो भाई जहां जहां करंट कॉस्ट रिक्वायर्ड है उसको तो आप डाल दीजिए, जैसे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स करंट कॉस्ट पे वैल्यू होने हैं, तो दो फिनिश गुड्स कंप्लीट यूनिट्स होते हैं, 200 × 2680, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी करंट कॉस्ट पे वैल्यू होने हैं, लेकिन ये मटीरियल और कन्वर्जन के लिए अलग अलग वैल्यू होगा, 100% मटीरियल 1500 × 980, 60% कन्वर्जन 15×6=90, 900 × 1700, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन भी आ गई, 2000 units × 2680 कितना बना जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 units × 2680,
5360000. 5360000. और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस कितना आया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस इज 3 मिलियन. अब हमें अगले साल हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या आने वाली है, मटेरियल की मद में और कन्वर्जन की मद में, ये अगर हम फोरकास्ट कर लें तो हम ये मामला भी हल कर पाएंगे, ये मामला भी हल कर पाएंगे, ये मामला भी हल कर पाएंगे और इसको भी यकीनन देख पाएंगे. अब हमें नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करनी है, जिसके बाद हम बाकी काफी ज्यादा फिगर जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में रह गई हैं उनको भी ले पाएंगे. हमें नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, वर्किंग टू कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट. नेक्स्ट ईयर से मुराद बजटेड कॉस्ट पर यूनिट. हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट लेंगे, हम डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लेंगे, हम वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट लेंगे और हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात लेंगे, कॉस्ट लेंगे. यहां से हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट, बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आएगी. लेट्स टॉक अबाउट लेबर, रॉ मटेरियल फर्स्ट. रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे आती है? इट इज क्वांटिटी इनटू प्राइस. ऐसे ही तो वर्किंग 2.1 में जाके मैं इसको जरा एलैबोरेट आपको करता हूं. रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जैसे मैंने बोला, इज क्वांटिटी इनटू प्राइस. लास्ट ईयर की अगर हम कॉस्ट देखना चाहें तो लास्ट ईयर की कॉस्ट का ब्रेकअप यहां से उठा सकते हैं आप. 49 केजी क्वांटिटी है और 980 कॉस्ट है, तो 980 डिवाइड विद 49 करें तो कॉस्ट आपकी प्राइस की आ जाती है 20 पर केजी. तो ये जनाब 49 केजी इनटू 20 रुपीज, ये आपकी लास्ट ईयर का डाटा है. अब तवज्जो कीजिएगा, अगले साल जब हम नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में क्या सिर्फ प्राइस बदलने वाली है या क्वांटिटी भी बदलने वाली है? तो आंसर इज दोनों बदलने वाली हैं. प्राइस बदलने वाली है रॉ मटेरियल की 8%, और क्वांटिटी बदलने वाली है इस पॉइंट के मुताबिक, वेस्टेज 5% से 2% पर जाएगी. तो भाई प्राइस बदलने वाली 8% से, तो प्राइस को तो 1.08 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नई प्राइस आ जाएगी 21.60. ऐसे ही है जी, नई प्राइस तो हमारे पास 21.60 आ गई. अब नई क्वांटिटी लेनी है, ये कैसे आएगी? रॉ मटेरियल कॉस्ट पिछले साल की हमारी 980 जो आ रही है वो 49 केजी क्वांटिटी हमें गिवन है, 980 कॉस्ट हमें गिवन है, तो हमने करंट लास्ट ईयर प्राइस वर्कआउट कर ली. हमें बताया गया है नेक्स्ट ईयर प्राइस तो 8% से बढ़ जाएगी, ठीक है जी, 8% का इजाफा इनकॉर्पोरेट कर दें. नेक्स्ट ईयर क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा वो ये बताया गया. उसने कहा जी नेक्स्ट ईयर आपकी जो वेस्टेज है, जो करंट शायद 5% है, 5% से 2% पे चली जाएगी. अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट डीलिंग विद द वेस्टेज, क्वेश्चन नंबर वन, क्या हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो क्वांटिटी ली जाती है ये ग्रॉस होती है या नेट होती है? यू शुड ऑल बी नोइंग दिस, शायद पहले कहीं हमारी क्लास में यह बात हुई भी है. रॉ मटेरियल कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे डिटरमिन की जाती है, बिल्कुल ठीक है, हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे डिटरमिन की जाती है. इसका मतलब ये 49 जो है ये हमारी ग्रॉस है, हमारी ग्रॉस क्वांटिटी करंट 49 है और इसमें से करंट 5% वेस्टेज होती है. 5% वेस्टेज होती है, इसका 5% कितना बनता है? 49 का 5% कितना बनता है?
2.45, इसका मतलब हमारे पास नेट क्वांटिटी जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनती है वो कितना बचा, माइनस ये किया तो 46.55। अब हमें क्या कहा गया है कि भाई आइंदा हमारी वेस्टेज 2% ऑफ इनपुट होनी है, 2% ऑफ इनपुट होनी है, इसका मतलब आइंदा हमारी जो नेट क्वांटिटी होगी वो 98% ऑफ इनपुट होगी। अगर ये 98% है तो 100 क्या होगा, मतलब ग्रॉस क्वांटिटी अगले साल की हमारी क्या होगी, यहां से हम निकाल सकते हैं क्या होगी जी ग्रॉस क्वांटिटी अगले साल की, क्योंकि नेट तो नहीं बदलने वाली ना, वेस्टेज बदली है तो ग्रॉस बदलेगी, तो नेट तो 46.55 ही रहेगी और 2% वेस्टेज के बाद हमारी अगले साल ग्रॉस 47.5 पे चली जाएगी। और इस फैक्टर को मैं यहां पे अगर देखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं कि भाई 49 का 95% नेट होता है और इस नेट को अगर हम 98% पे ग्रॉस करें तो ये हमें यहां पे 47.5 मिल जाता है। ठीक है, तो वो जो मैंने ऊपर आपको कैलकुलेशन समझाई थी क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन के साथ, उसकी प्रेजेंटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 49 का 95 इज नेट और इस नेट का ग्रॉस करें 98% पे तो 47.5 है, तो नई मटेरियल की कॉस्ट हमारी क्या आई, 47.5 इंटू 21.6 कितनी आ रही है जी नई मटेरियल की कॉस्ट, अगले साल मटेरियल कॉस्ट हमारी क्या होगी, ₹1026। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये हमारी अगले साल की मटेरियल की कॉस्ट है। बेस से हमने उठाया, रॉ मटेरियल कॉस्ट आती कैसे है, क्वांटिटी इनटू प्राइस से, पिछले साल क्वांटिटी क्या थी, पिछले साल प्राइस क्या थी और उसमें क्या चेंज आने वाली है, प्राइस में चेंज क्या आएगी, क्वांटिटी में क्या चेंज आएगी, उससे हम अगले साल की क्वांटिटी, अगले साल की प्राइस और इस तरह अगले साल की कॉस्ट पे पहुंच के 1026। अगले साल हमारी लेबर की कॉस्ट क्या होने वाली है, उसके लिए हम देखते हैं हमारी पिछले साल लेबर की कॉस्ट क्या है, 800। अब लेबर की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो लेबर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये आती कैसे है, इसको अगर देखना हो आपने तो भाई ये डायरेक्ट लेबर आवर इंटू रेट है। ठीक है, आवर इंटू रेट को मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट आ रही है, तो हमारे आवर में और रेट में क्या चेंज आया है, आवर में और रेट में क्या चेंज आया है, उसके लिए आइए अब यहां पे, रेट में चेंज आया 10% का इजाफा और आवर में चेंज आया है 7% की कमी, तो इन दोनों को हम अगर इनकॉर्पोरेट करें, इन दोनों को अगर हम इनकॉर्पोरेट करें, 7% की टाइम में कमी है, 10% का रेट में इजाफा है, यहां से हमें अगले साल की लेबर कॉस्ट हमारी क्या आने वाली है वो मिल जाती है, इट इज 818। जी राशिद साहब, आपको ये मटेरियल कॉस्ट 1000 नजर आ रही है कैलकुलेट होते हुए, तो जरा दोबारा देखिए क्या ये मटेरियल कॉस्ट 1000 है, ये जो मैंने ब्लॉक बनाई इस ब्लॉक को रिकैलकुलेट कीजिए। जी राशिद महमूद, आपने कहा 1026 नहीं आती, 1000 आती है, काइंडली कंफर्म 47.5 इंटू 21.6 क्या आता है, तो बेटा आप 1000 कहीं से निकाल रहे हो, मैं बार बार बताता रहता हूं आप लोगों को ध्यान से काम करने की आदत डालिए, केयरलेसली काम ना किया कीजिए, क्योंकि मुझे डर लगता है कि आप जब ये दो फिगर्स को मल्टीप्लाई करते हुए क्लास में बैठ के गलती कर देते हो तो एग्जाम प्रेशर में जाके आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करोगे,
मुझे खौफ आता है, तो काइंडली खुदा के लिए ध्यान से तवज्जो से काम किया कीजिए। अच्छा जी, लेबर की कॉस्ट 818 आ गई, कोई इशू लेबर की कॉस्ट में? ओवरहेड की बात करें तो लास्ट ईयर हमारे ओवरहेड थे 500 और ओवरहेड में इजाफा वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट में चेंज आने वाला है 8%। तो जनाब इसमें 8% ऐड कर दीजिए तो अगले साल हमारी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट चली जाएगी 540 पे। अब आ जाइए आप लास्ट आइटम, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड पिछले साल, तो जो कीजिएगा यहां पे, हमारे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड पिछले साल रहे थे 400 रुपए पर यूनिट। अब ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 400 रुपए पर यूनिट क्या इस तरह इनकर हुए होंगे? जनाब एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट 400 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इनकर हुई होगी क्या? आंसर इज नो। फिक्स्ड ओवरहेड कभी पर यूनिट इनकर नहीं होते, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल इनकर होती है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल इनकर होती है, तो टोटल इनकर होती है तो पर यूनिट कैसे आती है? टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को आप टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट आती है। इसका मतलब हमारी लास्ट ईयर की एक्चुअल कॉस्ट, जरा एक मैं छोटी सी वर्किंग बनाने जा रहा हूं, ठीक है, हमारी लास्ट ईयर्स के, हमारे लास्ट ईयर्स एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट 400 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 23760। ये हमारे लास्ट ईयर के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, जो कि कितने बनते हैं जी, 9504 ये लास्ट ईयर के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। अच्छा तो जो कीजिएगा, हमने कॉस्ट पर यूनिट बनानी है ना, तो हमने अगले साल के फिक्स्ड ओवरहेड लाने हैं और इसको अगले साल की जो बजटेड प्रोडक्शन है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अगले साल की बजटेड प्रोडक्शन वर्किंग नंबर वन में हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 25170 यूनिट्स की है, 25170 यूनिट्स ये हमारी बजटेड प्रोडक्शन है। तो हम टोटल ओवरहेड्स अगले साल के लाएंगे, उसको अगले साल की प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगी। तो हम इसके लिए अब ये एक वर्किंग बना रहे हैं, वर्किंग नंबर से, नंबर क्या चल रहा है हमारे वर्किंग का, वर्किंग टू आ चुकी है, ये 2.1 होगी, वर्किंग थ्री हम कर रहे हैं, ये वर्किंग थ्री है हमारी, दिस इज वर्किंग थ्री। तो लास्ट ईयर एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास है। अब हमें बताया क्या गया है कि ये तो लास्ट ईयर के एक्चुअल ओवरहेड टोटल है, इन ओवरहेड में इजाफा आना है 5% का, लेकिन डेप्रिसिएशन के अलावा। और डेप्रिसिएशन की कहानी ये नजर आ रही है कि जी पिछले साल 5.8 मिलियन थी और अगले साल 7.016 होगी। अब जरा अगर मैं इसको सब पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो पिछले साल के जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो जो खर्चा बचेगा उसमें 5% इजाफा होना है और डेप्रिसिएशन अगले साल की नई आपकी ये होने वाली है। तो तवज्जो कीजिएगा, हम यहां से लेस करेंगे लास्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन, जो खर्चा आएगा उसमें ऐड करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और फिर इसमें फर्दर ऐड कर देंगे नेक्स्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन, हमें मिल जाएंगे टोटल बजटेड एफओएच। तो लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 5.8 मिलियन, ये इसमें से निकालिए,
ये यहां से माइनस कीजिए, बाकी क्या बचा 3704000। इसमें डालिए इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, 5% हमें बताया गया है, तो हमारा खर्चा बढ़ के कहां चला गया, 5% का इजाफा ये बताया गया जी हमें, ओवरहेड में 5% का इजाफा आना है, 3889200। और इसमें नई डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, तो नई डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 7016800। तो अगले साल हमारे ओवरहेड्स क्या होने वाले हैं, बजटेड ओवरहेड 10906000, ये हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं अगले साल के। और बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, बजटेड ओवरहेड्स 10906000 डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन, हमारे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, इट कम्स टू कितनी 433, राउंड ऑफ कर लेते हैं, ऊपर भी डेसिमल में लिए हम यहां पे 433 कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम यहां पे कन्वर्जन का एक सब टोटल लगा लीजिए, ये कन्वर्जन कॉस्ट है, इसका एक सब टोटल दे दीजिए और फिर हम टोटल कॉस्ट लेते हैं। इसका सब टोटल बताइए क्या आ रहा है, और टोटल कॉस्ट क्या हुई 1026 ऐड कीजिए इसमें, अच्छा जी, हमने जो हमें करंट कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में ये अवेलेबल थी 2680, हमने इसके लिहाज से हमने बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट अगले साल क्या होने वाली वो निकाली 2817। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि सारा डाटा हमारे सामने आ चुका है। देखते जाइए अब सवाल कैसे कंप्लीट होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, कंजम्पशन कॉस्ट की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो कंजम्पशन कॉस्ट 25170 यूनिट्स की हमने ऐड करनी है, और कंजम्पशन कन्वर्जन कॉस्ट हमारी अगले साल है 1791। इसको भी मैं आउटस्टैंड कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन अभी आउटस्टैंडिंग है, कन्वर्जन कॉस्ट का मामला पहले हल करें। 25170 इंटू 1791 क्या आती है जी, अगले साल की हमारी कन्वर्जन कॉस्ट 4570। अच्छा जी, इसके बाद आप वर्किंग प्रोसेस की वैल्यूएशन पे आ जाइए, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यूएशन, बिल्कुल जैसे हमने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस वैल्यू किया वैसे ही वैल्यू करेंगे। इसमें भी 1500 यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से कंप्लीट है, 1026 पे वैल्यू होंगे, और कन्वर्जन के लिहाज से 60% है, तो 900 यूनिट्स 1791 पे वैल्यू होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू, अच्छा जी, इसके बाद फिनिश गुड्स पे आ जाइए, फिनिश गुड्स में हमारे पास 2090 यूनिट्स हैं, और ये वैल्यू होंगे फुल कॉस्ट 2817। तो 2090 यूनिट्स इंटू 2817 फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1026 है बेटा, सॉरी दिस इज 1026 जी। मुझे ये बताइए 2090 इंटू 2817 5887530 5887530। हमारे पास अब बस एक आखिरी फिगर रॉ मटेरियल कंजम्पशन की रह गई है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर हम ले आए तो ये फिगर हमारे पास अगर आ जाए तो हमारा पीएनएल कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा जी, इसके लिए हमें वर्किंग फोर बनानी पड़ेगी। ये मैंने आपको सिर्फ आइडिया के लिए वर्किंग यहाँ पे इस प्रेजेंट की थी, लेकिन इसके लिए हमें वर्किंग फोर करनी पड़ेगी। तो मैं इसको फिलहाल, ये आप समझिए क्रॉस है, आइडिया यहाँ से है, लेकिन वर्किंग फोर में जाकर डिटेल में हम इस पर काम करेंगे कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर कहाँ से आने वाली है। इसके अलावा कोई चीज समझ नहीं आई, यहाँ से आप पूछ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट बना रहे हैं, तमाम फिगर्स आपके सामने हैं जो हमने वर्कआउट कर ली हुई है। किसी फिगर की कैलकुलेशन में, किसी फिगर की वर्किंग में कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए पूछिए। किसी वर्किंग को आप देखना चाहें, ये कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन थी, ये हमने रिवाइज कर ली। बेटा ये जो हमेशा पे आप पहुंच जाते हो ना, इससे मुझे क्यों शक पड़ता है कि आप कुछ शॉर्टकट बना के याद करना चाह रहे हो। बेटा असूल बता दिया गया आपको कि कैश कॉस्ट सिर्फ इन्फ्लेशन से इफेक्ट होती है। अब जब आप कैश बजट बना रहे हैं, जब आप सॉरी इन्फ्लेशन ऐड करनी है किसी कॉस्ट में, तो वो डेप्रिसिएशन पे ऐड नहीं करनी, सिर्फ कैश कॉस्ट पे ऐड करनी। ये एक असूल बता दिया गया है, ठीक है। इस असूल के तहत प्लस करना माइनस करना जो मर्जी करते रहिए, मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहता। जैसे उसामा ने पूछा है कि जी ओल्ड डेप्रिसिएशन हमेशा लेस ही करेंगे ना, बस ये चाहता है कि इसको आइंदा कभी सोचना ना पड़े, कहीं पे भी कॉस्ट ओवरहेड आएंगे तो डेप्रिसिएशन की फिगर होगी, वो माइनस कर देंगे फिर। और भाई अगर किसी सवाल में एग्जामिनर ने लिख दिया कि नहीं माइनस करनी, इन्फ्लेशन डेप्रिसिएशन ने भी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाना है, अनलाइकली है, लेकिन वो लिख देता है, तो आप कह दोगे चूंकि सर ने कहा था हमेशा माइनस करते हैं तो कर दो माइनस। और भाई कोई चीज हमेशा नहीं होती, जो सवाल में लिखा हुआ है वैसे करना होता है हर दफा। अच्छा जी शाहान, आप ये प्राइवेटली क्वेश्चन मुझसे ना पूछा करें, क्योंकि मुझे फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। आप ये चीजें पूछते हैं मुझे, आप पब्लिकली पूछा कीजिए ताकि हर बच्चा इसको समझा करे। जी शाहान का कहना है कि जी हम वेरिएबल ओवरहेड में एफिशिएंसी का फैक्ट क्यों नहीं लेंगे। शाहान मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताइए कि हम एफिशिएंसी का फैक्ट क्यों लेंगे। What made you think so? इसका जवाब पहले आप मुझे दीजिए। वेरिएबल ओवरहेड में एफिशिएंसी का इफेक्ट क्यों लेंगे आपके ख्याल में? शाहान, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बेटा हम वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने टोटल वेरिएबल ओवरहेड यहां पे नहीं किए, ये हमारे वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब आप इसमें एफिशिएंसी का इफेक्ट क्यों लाना चाह रहे हो? क्योंकि माजी में किसी एक सवाल में हमने इसमें लेबर की वजह से एफिशिएंसी का इफेक्ट डाला था, तो आप स्टीरियोटाइपिंग के आदी हैं। क्योंकि माजी में एक सवाल में हमने वेरिएबल ओवरहेड में एफिशिएंसी डाल दी थी, तो आपका ख्याल है इसमें भी डालनी चाहिए। लेकिन आपको शायद नहीं पता कि माजी में जब हमने वेरिएबल ओवरहेड में एफिशिएंसी का इफेक्ट डाला था, वो इसलिए डाला था कि वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वेरिएबल ओवरहेड आर लिंक्ड टू लेबर आवर्स, बट यहां पे कोई ऐसा जुमला लिखा हुआ है? तो भाई नहीं लिखा हुआ तो इसलिए नहीं डालना देना कि 4 दिन पहले जो हमने सवाल किया था उसमें भी किया था, तो यहां पे करना भी जरूरी है। मैं आप लोगों को यही चीज बार बार समझाता आ रहा हूं कि स्टीरियोटाइपिंग ना करो, रटे ना लगाओ कि जो पहले किया था वैसा यहां पे कर देना है। हर सवाल को पढ़ो, हर सवाल को सोचो, फिर उसका हल निकालो। एंड यू डोंट सीम टू लर्न दैट थिंग बेटा। अनफॉर्चुनेटली इफ यू डोंट गेट टू दैट, यू विल हार्डली एबल टू पास कैफ 8 एंड फॉरगेट अबाउट सीफेप 4। कैफे तो हार्डली पास कर जाओगे धक्के खा के, C54 को भूल जाओ अगर आपने रटे लगा के चलना है। जी पिछले सवाल में ऐसे किया था तो इसमें ऐसा क्यों नहीं किया? और भाई पिछला सवाल था, ये सवाल नया है,
इसमें नई कहानी लिखी है, वो नई कहानी पढ़नी है हमने, उसमें सर कपाना है, उसको सोचना है, उसके मुताबिक इसका जवाब बनाना है। इसका जवाब पिछले सवाल के मुताबिक नहीं बनाना, ये मैं बार बार समझाता आ रहा आपको पिछले 2-3 महीने से, समझ जाओ खुदा के लिए जी। रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमारी आखिरी फिगर रह गई है, उसको हमने यहां पे डालना है, सवाल हमारा कंप्लीट होना है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी और फिगर पे? अच्छा जी, सबसे पहले मैं अगर आपसे शेयर करूं, वर्किंग हम शायद वर्किंग फोर थी हमारी, जी बिल्कुल वर्किंग फोर हम बनाने लगे हैं। हमारी बजटेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन ₹25,170 इंटू 47.5 kg, ये हमारी कंजम्पशन है अगले साल की। हम क्वांटिटीज में कंजम्पशन पहले लेना चाह रहे हैं। कितनी आ रही जी कंजम्पशन हमारी? 1195 1195 575, ये हमारी कंजम्पशन है बजटेड। अच्छा, अब तवज्जो कीजिएगा, ये कंजम्पशन है, इस कंजम्पशन की कॉस्ट क्या होगी? इस कंजम्पशन की कॉस्ट क्या होगी? सवाल पे आइए, कंपनी फाइफो मेथड पे चल रही है और कंपनी के पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। इसका मतलब ये जो कंजम्पशन टोटल है, ये सारी की सारी करंट नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट पे नहीं होनी, इसमें से कुछ ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम होने हैं जो करंट ईयर कॉस्ट पे होगा, और कुछ आपका अगले साल की परचेज में से कंज्यूम होना है जो नेक्स्ट ईयर की बजटेड कॉस्ट पे होगा। तो अगर हम इसमें से लेस कर दें, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल कंजम्पशन में से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर मैं लेस करूं, तो मुझे मिलेगी रॉ मटेरियल कंजम्पशन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स परचेज। ये सारा डाटा अभी हम केजी में लेकर चल रहे हैं, ठीक है? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा क्या है, वो यहां पे उसने बताया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है कि जी बजटेड प्रोडक्शन के हिसाब से 2 महीने की कंजम्पशन, बजटेड प्रोडक्शन पिछले साल की यकीनन लेंगे हम, बजटेड प्रोडक्शन के हिसाब से हमारी कंजम्पशन क्या है वो यहां से पता लगती है। ये पिछले साल की बजटेड कंजम्पशन हमारी हुई 25,000 × 49, और 2 महीने की कंजम्पशन कितनी होगी? 25,000 × 49 / 12 × 2, 2 महीने की कंजम्पशन हमारी कितनी होगी यहां से आप निकाल सकते हैं। पिछले साल की बजटेड प्रोडक्शन के हिसाब से पिछले साल की बजटेड कंजम्पशन और 2 महीने की कंजम्पशन पिछले साल की, 204,167। अब यहां पे आई जनाब आपकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो अगले साल की नेक्स्ट ईयर की परचेज में से होनी है। टोटल आपने कंज्यूम करने हैं 1.1 मिलियन, जिसमें से 2 लाख ओपनिंग स्टॉक से होगा, बाकी कितना बचा जो अगले साल की परचेज में से होने वाला है? बताइए जनाब, ये माइनस कर देंगे फिगर जी इसमें से, तो 991,408। अब तो जो कीजिएगा, अब यहां से आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन की कॉस्ट देख सकते हैं क्या आएगी आपकी। रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज इक्वल टू 204,167 kg, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है तो ये पिछले साल की कॉस्ट ₹20 पे कंज्यूम होगा, प्लस 991,408 kg, ये अगले साल की परचेज में से है, तो अगले साल की कॉस्ट आपने निकाली भी है 21.60, 8% इजाफे के साथ। तो जनाब यहां से निकाल लीजिए आपकी अगले साल की रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या आने वाली है।
रॉ मटेरियल कंजम्पशन अगले साल की क्या आने वाली है, आप यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके ले सकते हैं। सम करके दोनों को मुझे बता दीजिए। रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर इट शुड बी 2549775 3। कोई डिसएग्रीमेंट है तो बताइए। इस फिगर को वेरीफाई कीजिए, कोई डिसएग्रीमेंट है तो बताइए। 2549775 3 ये हमारी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है। सामा भाई आप कहीं सो रहे थे, ये हमने कैलकुलेट की थी फिगर 204,167 की। इसकी बकायदा मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, उसके बाद मैंने कैलकुलेट की थी, फिर आगे चले हैं। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? इस कंजम्पशन की फिगर को आप ऊपर ले जाके अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में फीड करेंगे तो आपका बजट कंप्लीट है। 2549775 3 लीजिए जी, बजट आपका कंप्लीट हो गया। यहां से आप एक सम यहां पे आप डालेंगे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, उसके बाद आपका फाइनल सम यहाँ पे आ रहा है, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये सम आप कर सकते हैं। कोई वर्किंग समझ नहीं आई, किसी चीज पे एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, पूछिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट फाल्कन प्राइवेट लिमिटेड, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, पूछिए। किसी वर्किंग की एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? बेटा ये हमने कहा कि अगले साल हमने क्या कंज्यूम करना है, ये हम अगले साल कंज्यूम करेंगे। तो भाई फाइफो मेथड है, कंजम्पशन में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम होता है ना, और ओपनिंग स्टॉक ने आना है 20 रुपए पे। तुमने कहा ये टोटल कंजम्पशन हमने इतनी करनी है, जिसमें से ये कंजम्पशन 20 रुपए पे है और ये कंजम्पशन 21.60 पे है। तो हमने कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन लेनी है ना भाई, ये तो केजीज है, केजी से रुपीज पे जाना है, तो रुपीस तो दो कॉस्ट इसमें अटैच हो जाएंगी फाइफो मेथड के तहत। 204,000 जो ओपनिंग स्टॉक का है वो 20 रुपए पे कंज्यूम होगा, और बाकी रिमेनिंग जो है केजीज वो आपके नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट पे कंज्यूम होंगे। बेटा हमने सिर्फ ये एक बजट, हमने कॉस्ट ऑफ सेल का ये फॉर्मेट बनाया था, इस फॉर्मेट को मैंने पॉपुलेट किया। अगर ये फॉर्मेट आपको समझ आ रहा है तो उसके बाद उसके इससे रिलेटेड जो क्वेरी है आप मुझे पूछते जाइए। मैं पूरा सवाल सारी कैलकुलेशन दोबारा गो थ्रू करना तो थोड़ा गैर मुनासिब लगता है ना बात। आपके सामने ये फॉर्मेट है, सबसे पहले मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मेट की क्लैरिटी दी कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनना कैसे है, ये वैल्यूज है जिनको लेके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएंगे, और उसके बाद मैंने वन बाय वन एक एक वैल्यू आपके साथ मिलकर कैलकुलेट की है। अब आप बताइए आपको किस वैल्यू पे इशू है। ये आपके सामने फॉर्मेट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट का। इस फॉर्मेट पे कोई क्लैरिटी चाहिए तो पूछिए।
आपको कॉस्ट पर यूनिट पे कोई क्लैरिटी चाहिए तो पूछिए, आपको कंजम्पशन के ऊपर कोई इशू है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन के ऊपर किसी वैल्यू पे कोई इशू है पूछिए। असल चीज फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद तो छोटी छोटी वर्किंग्स हैं जो हमने की। तो किस पार्ट पे आपको क्लैरिटी चाहिए, अगर आप स्पेसिफिक होंगे तो हम एफिशिएंटली काम कर सकेंगे। आई एम टॉकिंग टू यू सारा। फॉर्मेट तो बेटा पीएनएल बनाना आपने जो अकाउंटिंग में सीखा हुआ है उसी के मुताबिक हमने बनाया है। ये फॉर्मेट कोई नया को मैंने इजाद नहीं किया, ये आप जो अकाउंटिंग में पीएनएल बनाते हो ये वही फॉर्मेट है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस माइनस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस प्लस आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो ये तो मैंने कोई नई चीज नहीं सिखाई आपको बेटा, ये फॉर्मेट तो जो आपने अकाउंटिंग में सीखा है वही है। और आपने अगर इसके अलावा कोई फॉर्मेट सीखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो आप उसको फॉलो कर लो। फॉर्मेट तो यहाँ पे हमारे को कैज है ही नहीं, मुझे तो लगता है शायद यही एक फॉर्मेट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने का जो आपने अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा हुआ है। जस्ट यूज दैट फॉर्मेट, नथिंग न्यू। हाँ, आपने क्या पढ़ा हुआ था रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए, आपने एक और इक्वेशन पढ़ी हुई थी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन वहां से निकाल लेते। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ कंजम्पशन की कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उसको उस इक्वेशन से हमने नहीं लिया। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल, कोई और इश्यू इस सवाल से? ये आपको पॉलिसी गिवन है क्वेश्चन में रॉ मटेरियल के बारे में, दिस इज रॉ मटेरियल पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत हमने ये फिगर कैलकुलेट की। बजटेड प्रोडक्शन की बेस पे बजटेड कंजम्पशन, और बजटेड कंजम्पशन 2 महीने की, ये कंपनी की पॉलिसी है। बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड कंजम्पशन 1 साल की है तो 2 महीने की क्या हुई? अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पीएनएल पे हम कंप्रीहेंसिवली 5 क्वेश्चन पीएनएल फंक्शनल बजट पर देख चुके हैं। वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीएनएल और कैश बजट दोनों हैं, और उसके बाद ऑनवर्ड हम सिर्फ कैश बजट के सवाल कर रहे होंगे। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर हम 6 करने जा रहे हैं रेनबो का, ये पीएनएल पे शायद हमारा इस क्लास में लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हमसे कहा गया है प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट लॉस फॉर 28 फरवरी 2017 एंड देन प्रिपेयर बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 28 फरवरी, और उसने कहा जी तमाम ट्रांजैक्शन इवनली है, साल में 360 दिन अज्यूम कीजिए अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। पीएनएल और कैश बजट दोनों हमें बनाना है, तो हम सवाल पढ़ते हैं और फिर इसकी डिस्कशन करेंगे। रेनबो पेंट स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दूं
कि इसके आंसर में कुछ गलतियां हैं। मैंने जो आंसर हमारे नोट्स में शामिल है ये आईकैप के ही आंसर शामिल हैं, और इसका जो आईकैप का सॉल्यूशन गिवन है उसमें कुछ गलती, एक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट की एरर है। और वो गैर एरर ऐसी नहीं कि वो कोई मैंने यहाँ पे इस सवाल में पकड़ ली है, आईकैप ने इससे अगली टाइम में जो क्वेश्चन दिए हैं ना उनके सॉल्यूशन में वो एरर नहीं है। मतलब आईकैप एक ही मसला जो इस क्वेश्चन में भी आया, एक ही मसला जो आगे मजीद दो पास पेपर क्वेश्चन हम जो करेंगे उनमें भी आ रहा है, इस क्वेश्चन में आईकैप ने उसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, लेकिन अगले दो क्वेश्चन जो हम करेंगे उनमें आईकैप का सॉल्यूशन ठीक है। तो इसलिए ये बात जरा ज़हन में रखिएगा, मैं पहले भी आपको कहा है कि आईकैप का सॉल्यूशन में गलतियां मिल सकती हैं, चांसेस कम है लेकिन मिल सकती हैं। इसीलिए आपने सॉल्यूशन से सीखना नहीं है कुछ, क्लास में जो डिस्कशन है, जो किताब में पढ़ा है उससे सीखिए, उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अप्लाई कर दीजिए, और देन कंपेयर विद द सॉल्यूशन एंड थिंक इफ द आंसर्स आर डिफरेंट देन थिंक कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि हो सकता है आपकी वर्किंग ठीक हो अगर आंसर मैच नहीं कर रहे उसके बावजूद, हो सकता है बेशक 5% 10% चांसेस सही, लेकिन चांसेस आर देयर कि आईकैप का सॉल्यूशन गलत हो सकता है। सो नेवर अज्यूम कि आईकैप का सॉल्यूशन हमेशा ठीक होगा और आप हमेशा खुदा ना खास्ता गलत होंगे और आपने आईकैप का सॉल्यूशन समझे बगैर रट लेना है, कभी भी नहीं। हमेशा आईकैप का सॉल्यूशन अगर आपसे डिफर कर रहे हैं आप उसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे, समझेंगे, समझ आएगी तो फॉलो करेंगे, नहीं समझ आती तो आप मेरे सामने लेके आइए कि आईकैप के सॉल्यूशन पे हमें इतराज है, हमें समझ नहीं आ रही हमारे, लेकिन अपनी वर्किंग के साथ मुझसे शेयर करेंगे जी मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन ये बनता है, आईकैप का सॉल्यूशन इससे फर्क है, बताइए ठीक क्या है, आप मुझसे शेयर करेंगे, आई विल गाइड यू। अच्छा जी, रेनबो का क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। रेनबो पेंट्स लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर द ईयर एंडिंग 28 February 2017। The following data has been extracted from the profit and loss account for the year ended 29 February 2016. ये साल अभी खत्म हुआ है, उससे हमने ये actual data extract किया है। Sales, जिसमें से 19 million की cash है, cost of goods sold में material consumed, variable conversion cost, fixed conversion cost जिसमें depreciation है, opening finished inventory, closing finished inventory, और यहाँ से हम gross profit लाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल एंड फिक्स्ड जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ये 2016 का एक्चुअल पीएनएल हमें गिवन है। देन फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट द कॉस्ट कंट्रोल मैनेजर हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग प्रोजेक्शन। ये कुछ ही अगले साल के अंदाजे लगाए। अंदाजे क्या है? सेल्स वॉल्यूम एंड प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब वॉल्यूम ने 10% से, प्राइस ने 5% से बढ़ना है। द रेशियो ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल विल बी 25-75। माजी में रेशियो जो भी थी अगले साल 25-75 होने वाली है कैश एंड क्रेडिट। कैश सेल्स आर मेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कैश सेल्स 5% डिस्काउंट पर जाएंगे। एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन एंड पेमेंट टाइम इन RPL इज एज फॉलोज। ये कैश बजट में हमारे काम आने वाला है कि डेटर से सेल्स के 35 दिन बाद पैसा आता है, क्रेडिटर्स को परचेज के 40 दिन बाद पेमेंट करते हैं, और एक्सपेंसेस की पेमेंट खर्चे के 25 दिन बाद की जाती है। इन वैल्यूज की इम्प्लीकेशन क्या है ये मैं आगे चल के मजीद बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको कलेक्शन एंड पेमेंट टाइम का मतलब समझा दिया। डेटर्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेटर्स से कलेक्शन टाइम 35 दिन का मतलब है कि क्रेडिट सेल्स के 35 दिन बाद पैसे आते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 40 दिन का मतलब है कि परचेजेस के 40 दिन बाद आप पेमेंट करते हो, और पेमेंट टू एक्सपेंसेस का 25 दिन का मतलब है कि एक्सपेंस इनकर होने के बाद आज आपने बिजली इस्तेमाल कर ली, पेमेंट इसकी 25 दिन बाद की जाती है। इसकी फर्दर इम्प्लीकेशन पे बात हम करेंगे आगे चल के। RPL maintains raw material inventory of for average 30 days consumption. 30 दिन की average consumption के बराबर raw material की inventory रखी जाती है। Opening and closing finished goods inventory quantity would be the same. Finished goods की quantity, opening closing stock की same होगी। Trade creditors at 29 February. 29 February आपका year पिछला साल year end है, पिछला year end है जिसके आगे आप budget बनाने जा रहे हो। तो जो आपका ईयर एंड हुआ उस पर आपका क्रेडिटर्स 3 million थे जो कि आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स बन रहे हैं।
इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज इज एस्टिमेटेड एज अंडर. अगले साल रॉ मटेरियल की प्राइस 10% बढ़ेगी, वेरिएबल एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 8% बढ़ेंगे, और डेप्रिसिएशन जैसे पिछले साल रही वही रहेगी. आरपीएल प्लान्स टू इंक्रीज इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द बजट पीरियड फॉर विच इट प्लान्स टू लॉन्च एन एडवर्टीजमेंट कंपेन ड्यूरिंग सितंबर टू फरवरी. नई प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रही है, सितंबर से फरवरी तक एक कंपेन लॉन्च होगी और इस कंपेन के सिलसिले में 1-3 मिलियन की पेमेंट ईच की जाएगी, 1 सितंबर को 1 मार्च को. इसका मतलब टोटल कंपेन 3+3 6 मिलियन की है. 6 मिलियन की टोटल कंपेन है जो आपने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लॉन्च करनी है इस पीरियड में, जिसमें से 3 मिलियन की पेमेंट 1 सितंबर को जाएगी और 3 मिलियन की पेमेंट 1 मार्च को जाएगी. RPL operates absorption costing system and uses FIFO. यहाँ पे फिर FIFO का जिक्र आ गया जैसे पिछले सवाल में था. FIFO method of valuation of inventory use करती है. अच्छा ये सवाल जरा पढ़ लीजिए, हम पहले P&L इसका बनाएंगे फिर इसका कैश बजट बनाएंगे. टेक फ्यू मिनट्स टू रीड द क्वेश्चन. आज हम इसका कोशिश करेंगे कि हम इसका P&L आज इसका हम बना लें, कैश बजट इसका कल हम करेंगे. क्वेश्चन को 3-4 मिनट्स लीजिए और रीड कर लीजिए एक बार क्वेश्चन को, ताकि डेटा थोड़ा सा मजीद आप एब्जॉर्ब कर लें. जी रीड थ्रू द क्वेश्चन ताकि हम 1-2 मिनट में इसकी डिस्कशन स्टार्ट करें. हम P&L पे फोकस करेंगे सबसे पहले. जी P&L हमने बनाने हैं तो P&L में सबसे पहले हम फॉर्मेट लेके आते हैं. फॉर्मेट हमें करंट P&L का दिया हुआ है, तो वी सिंपली कॉपी दैट और इसको फिर पॉपुलेट कर लेंगे. सेल्स इसमें से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका ब्रेकअप है मटेरियल कंज्यूम. मैं सिर्फ क्वेश्चन से इसको कॉपी करता जा रहा हूँ, फिर इसकी वैल्यूज हम वर्कआउट कर लेंगे. मटीरियल्स कंज्यूम, कन्वर्जन कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया जाता है, ओपनिंग स्टॉक लेस किया जाता है. ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर हमने सब टोटल लेना है तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया जाता है. यहां से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास दो हेड्स अवेलेबल हैं, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड, देन वील हैव नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, पीएनएल हमें जो पिछला गिवन है वो चूंकि रुपीज इन मिलियन में ही है, तो हम ये पीएनएल भी रुपीज इन मिलियन में ही बना देंगे। तस्मिया ने पूछा है जी, ओवर एंड अब्सॉर्ब ओवरहेड्स को यहाँ शो नहीं करना, तो ओवर एंड अब्सॉर्ब बेटा, मैं पहले भी एक इस तरह का सवाल आप लोगों ने किसी ने पूछा था किसी और सवाल को करते हुए, और मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था ओवर एंड अब्सॉर्ब ओवरहेड्स कब आते हैं। ओवर एंड अब्सॉर्ब ओवरहेड तब आते हैं जब आपके पास ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट निकालने का डाटा अवेलेबल हो। तो क्या आपके पास यहाँ पे ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट निकालने का डाटा अवेलेबल है? और दूसरी बात, ओवर अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड आते हैं जब आप एक्चुअल पीएनएल बना रहे होते हो, ये तो आप बना ही बजटेड पीएनएल रहे हो, तो बजटेड पीएनएल की बेसिस पे तो आपने ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट निकालना होगा। एक्चुअल पीएनएल जब बनता है तो फिर ओवर अंडर अब्सॉर्ब का क्वेश्चन आएगा, और वो भी उस सूरत में जब अब्सॉर्प्शन रेट आपको गिवन हो। तो ये तो मान ही बजटेड पीएनएल रहा बेटा, इसमें ओवर अंडर अब्सॉर्ब कहां से आ गया? अच्छा जी, वन बाय वन अगर हम काम शुरू करें फिगर्स को लेके, सबसे पहले हम सेल्स पे जाते हैं और इस पे हम वर्किंग वन हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी सेल्स के लिए। हमें सेल्स की करंट नेट फिगर दी भी है। हमें बताया गया है कि करंटली हमारी जो नेट सेल्स हैं वो दो कैटेगरीज में हो रही हैं। एक कैश, एक क्रेडिट और एक टोटल। एक करंटली बताया गया है कि टोटल करंट हमारी सेल्स 109 मिलियन है, जिसमें से 19 मिलियन कैश है, तो यकीनन 90 मिलियन क्रेडिट हुई। अच्छा, जब हमें ये कहा जा रहा है कि सेल्स में इजाफा 10% वॉल्यूम का आना है, 5% प्राइस का आना है, तो ये इजाफा जो वॉल्यूम और प्राइस का है वो इनकॉर्पोरेट करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम तमाम सेल्स को ग्रॉस लेवल पे ले जाएं। हम करंट सेल्स ग्रॉस लेवल पे लाएंगे पहले, उसके बाद प्राइस और वॉल्यूम का इजाफा डालेंगे, ठीक है? क्योंकि प्राइस तो ग्रॉस लेवल पे है, उसी में इजाफा आना है ना। तो कैश सेल्स ने कहा 5% डिस्काउंट पे है, तो इसको ग्रॉस अप कर लीजिए, ये 20 मिलियन बन जाती हैं, ये 90 मिलियन का 90 मिलियन है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, तो इसका मतलब ग्रॉस सेल्स आपकी 110 है। अब चलिए, उसने हमें कहा कि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज भी आना है, इसमें प्राइस इंक्रीज भी आना है। वॉल्यूम इंक्रीज कितना है जी? 10%। प्राइस इंक्रीज कितना है? 5%। तो 10% वॉल्यूम इंक्रीज है, 5% प्राइस इंक्रीज है, तो यहां से आप लीजिए बजटेड सेल्स, ये बजटेड सेल्स आपके पास ग्रॉस आ रही हैं, क्योंकि आप ग्रॉस की फिगर को लेकर चल रहे हैं, ग्रॉस में वॉल्यूम और प्राइस इंक्रीज ऐड कर रहे हैं। तो जनाब 110 इंटू 1.1 इंटू 1.05 आपकी ग्रॉस सेल्स क्या बनती हैं अगले साल की?
127.05 और इसका उसने ब्रेकअप दिया कि भाई ये 25% कैश है और 75% क्रेडिट है, तो इसका 25 कितना बना? 127.05 का 25% 31.76 और 75% 95.29। ये जी बजटेड ग्रॉस सेल्स हैं और आपने पीएनएल में चूंकि नेट शो करनी है तो आप यहीं पे नेट ले लीजिए, इसको नेट कर लीजिए, 5% डिस्काउंट डाल दीजिए, तो जनाब ये बजटेड सेल्स नेट आ जाएंगी जो आपकी पीएनएल में जानी है। ये 95.29 ही रहेगा, ये 31.76 इनटू 95 30.17 हो जाता है और टोटल 125.46 हो जाएगा, क्योंकि पीएनएल में आपकी नेट सेल जानी है तो ये 125.46 आपकी नेट सेल की फिगर आ गई, 125.46 नेट सेल्स की फिगर आ गई जो आपकी पीएनएल में जानी है, 125.46। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? मेरा ख्याल है कि हम इस सवाल को यही सेल्स तक ही आज रख पाएंगे, ऐसे आगे जाने के लिए हमें वर्किंग थोड़ी चाहिए, टाइम लगेगा, तो हम उसको कल ही कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही, आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। तो हमने फाल्कन का क्वेश्चन किया उससे और इसमें से क्वेश्चन, बेटा नेट सेल इसलिए यूज किया कि पीएनएल में नेट सेल यूज होती है, आपके सामने पीएनएल उसने पिछले साल का दिया था तो कहीं डिस्काउंट जो कैश सेल पे अलहदा से वो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ये ज्यूम कि वो शायद यहाँ पे सेल्स में ही नेट हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नेट सेल्स यूज हो रही हैं, तो हमें भी अगला जो पीएनएल बजट बनाना है वो भी नेट सेल्स पे ही बनेगा। जी अब आप अपने माइक ऑन करके अगर कुछ सवाल करना चाहें तो कर लें। हम ये जो क्वेश्चन है पीएनएल की और कैश बजट भी, इसको कल हम कंप्लीट करेंगे, आज हमने सिर्फ रेवेन्यू की फिगर यहाँ पे वर्कआउट की है, बाकी तमाम जो वैल्यूज हैं बजटेड पीएनएल की हम कल वर्कआउट करेंगे। एनी क्वेश्चन? आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हमने क्वेश्चन किया था आरएस एंटरप्राइजेस वाला, जी सर, इसमें हमने जो प्रोडक्शन ओवरहेड से वो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो निकाले थे 60% वाले, तो जी. सर हमने उसको ना वो किया था, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो था ना वो बाद में इनकॉर्पोरेट किया था, तो अगर हम पहले इसका 60% लेके इस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दें तो बाद में जो न्यू यूनिट्स हैं जो हमने बनाने हैं बी के सर 2x वो हो गए, और उसमें प्लस कर दें जो ए के यूनिट्स हैं वो एक्स लेके, तो ये हो सकता है इस तरह? बेटा अगर आपका आंसर वही 33 और 66 आ रहा है तो यकीनन हो सकता है। सर मेरा आंसर वो नहीं आ रहा।
इसका मतलब नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। वजह सुन लो कि जी सर। आपने आपने यूनिट्स कौन से अज्यूम किए इस इक्वेशन में? सर मैंने न्यू वाले यूनिट्स अज्यूम किए हैं जो बी के हमने अगले साल बनाए थे ना। यूनिट्स न्यू ले लिए, कॉस्ट पिछले साल की ले ली। पिछले नहीं साल सर, कॉस्ट को भी इन्फ्लेट किया हुआ है भाई। कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड किया ना, तो उसमें सिर्फ रेट नहीं लगा होता, यूनिट्स भी लगे होते हैं। सॉरी सर मैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैसे आती है? यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट को तो आपने इन्फ्लेट कर दिया, यूनिट्स आपने उस कॉस्ट में तो पिछले साल के लगे हुए हैं ना, पिछले साल के ओवरहेड है, तो उसने आपने कॉस्ट तो बदल दी, अगले साल की इन्फ्लेशन डाल दी, लेकिन यूनिट्स तो पिछले साल की रह गए टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन में। और आपने लेफ्ट नहीं सर, मैंने यूनिट भी अगले साल के लिए हैं। ओ काका, यूनिट्स आपने अगले साल की इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लिए हैं। व्हाट अबाउट राइट साइड ऑफ द इक्वेशन? यहाँ पे आपने कॉस्ट ली है, क्या उस कॉस्ट की कैलकुलेशन में यूनिट्स अगले साल के? नहीं सर। जो कॉस्ट ली है आपने वो पिछले साल की कॉस्ट ली है, और उसमें सिर्फ आपने रेट एडजस्ट कर दिया है, यूनिट्स उसमें पिछले साल के रह गए हैं, जो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है। लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे आपने नए अगले साल के यूनिट्स ले लिए हैं, तो इक्वेशन ही गलत बन गई ना भाई। ठीक हो गया सर, थैंक यू, समझ आ गई। जी, एनी क्वेश्चन ऑन बजटिंग? क्योंकि पीएनएल में बेटा सामान सेल्स नेट ही शो की जाती है ना भाई। हम एग्जिस्टिंग पीएनएल दिया हुआ है, उसमें भी नेट सेल्स हैं, तो हम जो बजटेड पीएनएल बनाएंगे उसमें भी नेट सेल्स ही बनाएंगे ना। मैंने आपको क्या समझाया है कि आप सेल्स, अब या तो आपको बताया जाता ना ये सेल्स ग्रॉस हैं और नेट डिस्काउंट जो है वो कैश सेल्स का कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर नहीं बताया गया तो आपके अजम्पशन यही है कि आपकी ये नेट सेल्स की फिगर है, तो बजटेड पीएनएल में भी आप नेट सेल्स ही लेंगे। मियां आपका सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आप क्या करना चाह रही हैं? क्वेश्चन नंबर 4 हमने आरएस एंटरप्राइजेस का क्वेश्चन किया था, इसके बारे में क्या सवाल करना चाह रही हैं? मुझे ये प्राइस की वर्किंग में 90% कौन सा 90% में प्राइस की वर्किंग में यूज किया था, और प्राइस का बाय द वे कैपेसिटी से कोई ताल्लुक होता नहीं है। प्राइस प्राइस है, कैपेसिटी कैपेसिटी वॉल्यूम होता है। तो 90% अगर प्राइस की वर्किंग में यूज हुआ है तो उसका ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं हो सकता, उसका ताल्लुक यकीनन प्राइस से ही होने वाला है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने करना होते हैं तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप पिक्चर लीजिए उस प्रॉब्लम की, उस प्रॉब्लम की पिक्चर लीजिए, उस पिक्चर के लिहाज से मुझसे क्वेश्चन पूछिए, और वॉइस मैसेज से आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है इस तरह के सवाल पूछना, जब आप किसी माजी के किसी क्वेश्चन से रेफर करना चाह रहे हो। एक है ना आज की डिस्कशन, तो मेरे भी जहन में फ्रेश है, आपके जहन में भी फ्रेश है, मैं भी सवाल को लूंगा, जवाब को लूंगा, आपको मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर किसी पास्ट किसी रेफरेंस से आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्ली व्हाट्सएप ग्रुप इज द अप्रोप्रिएट फोरम, जहाँ पे आप पिक्चर लीजिए, उसके नीचे उसका इशू हाईलाइट कीजिए बेशक पेन से पेंसिल से, और फिर अपना जो वॉइस नोट के थ्रू या टाइप मैसेज के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम कल मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे बजटिंग के ऊपर।
थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।